हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 प्रेसिपिटेशन। तो आज हम इस चैप्टर का पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट बताना चाहूंगा एक रिमाइंडर के तौर पे कि यार हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी स्टैंडर्ड है, चाहे आप 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो या फिर 11th में हो, आपके बाकी जो सब्जेक्ट है पूरे वीडियोस अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। अगर हम बात करें, साइंस पूरा कंप्लीट है, मैथ्स पूरा कंप्लीट है, सोशल स्टडीज मोर देन 50% कंप्लीट है, चेकआउट कर सकते हो, इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट है एंड बाकी जो ट्रिक्स वगैरह के वीडियो है वो भी प्रेजेंट है यार। तो प्लेलिस्ट में जाओ, देर किस बात की, जाओ चेकआउट करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली कमेंट करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, जो बचे कुछ है वो हम लोग बना रहे हैं, तो प्लीज चेकआउट करते रहना और डेली बेसिस पे आप लोगों को हमेशा हम वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चेक करते रहना। करियर गाइडेंस के लिए जेआर टॉक्स हमारा एक और चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। जेआर ब्लॉग्स ब्लॉगिंग का चैनल है, उसको भी देख सकते हो, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आते टॉपिक के ऊपर। प्रेसिपिटेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखो, प्रेसिपिटेशन का अगर मैं एक सिंपल सा साधारण सा मतलब अगर मैं बताऊं, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वाटर का फॉल होना। पानी जो होता है, अब पानी बरसेगा यानी कि क्या हो सकता है, जो नॉर्मली हम लोग ने एक ही चीज सुना है, बारिश होना। तो बारिश जो है वो पानी लेके आता है नीचे की तरफ। लेकिन एक और चीज बता दूं कि पानी के अलावा और भी ऐसे चीजें हैं जो जमीन पे आती है और बरसती है, जैसे कि हेलस्टोन्स, पत्थर के बारिश होते हैं। कौन से पत्थर? बर्फ के पत्थर, जो मोटे मोटे कड़क कड़क पत्थर होते हैं ना, एकदम सर पे लगा तो एकदम टेमका उग जाएगा, वैसा वाला कड़क पत्थर की बारिश होती है, जिसको हम लोग गांव में जो यूपी वगैरह से शायद बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से, तो उसको बोलते हैं कि ये पड़ना, क्या बोलते हैं, ओले पड़ना। ठीक है ना, शायद आपने नॉर्थ साइड के अगर आप लोग होंगे कोई तो उनको पता होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मली महाराष्ट्र में ऐसा देखने मिला ही नहीं आज तक, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्थ साइड रहते हैं, जो नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी, पंजाब और ऊपर के साइड शिमला, उत्तराखंड वगैरह ये साइड से बिलोंग करते हैं, कि वहां पे अक्सर देखा गया है हेलस्टोन्स वगैरह होते हैं। कैसे होते हैं ये सब चीज आज डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। और साथ ही में स्नोफॉल होता है। अब स्नोफॉल और हेलस्टोन थोड़े अलग होते हैं। स्नोफॉल थोड़ा सा नरम वाले बर्फ होते हैं, एकदम नरम वाले, हाथ से टच करोगे तो एकदम दब जाएंगे, ऐसे वाले नरम बर्फ होते हैं, तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। हेलस्टोन थोड़े कड़क पत्थर जैसे बर्फ होते हैं। फिर नॉर्मली बारिश तो होती है, ड्यू होता है। तो ये सब चीज क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो हम लोग एक चीज तो बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ का लगभग 70.8% जो पार्ट है, हमारे पूरे अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें, पूरे अर्थ के ऊपर लगभग 70.8% जो पार्ट है वो क्या है दोस्तों, पानी से बना हुआ है। ये सब हम जानते हैं, ठीक है ना, पानी से बना हुआ है। और यही जो पानी है दोस्तों, नॉर्मली इसी का पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हमारा जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर कंपेरेटिवली हम बात करें तो ये हर जगह है, मतलब समुंदर में भी है, नदी में भी है, लेक्स में भी है, झील में भी है, अंडरग्राउंड वाटर में भी है, और ग्लेशियर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े स्नो के यानी आइस के पहाड़ जिसको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं, आपको पता ही होगा ये सब चीज, तो ये भी इसी को सब हम लोग कंसिडर करेंगे, तो ये एक साथ हम लोग बोल सकते हैं। और एटमोस्फेरिक चेंजेस और कंडीशन के हिसाब से बात करें तो हर टाइम ये अलग अलग जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्योंकि आप देखोगे अगर आप महाराष्ट्र में फिलहाल में हो, तो फिलहाल में महाराष्ट्र में अभी विंटर का सीजन आ रहा है, लेकिन आपको इतनी ठंडी नहीं लग रही, गर्मी लग रही होगी। वही आप यही सीजन है, लेकिन आप वही नॉर्थ साइड चले जाओ तो आपको ज्यादा ठंड लगेगी, हो सकता है आपको बर्फबारी देखने मिले। अभी रिसेंटली मैं मनाली गया था, उसके ब्लॉग्स आप देख सकते हो, हमने हमारे जेआर ब्लॉग्स चैनल पे डाला हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं मनाली के। तो अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैं मनाली गया था, और वहां पे मैंने देखा कि क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज्यादा अलग है हमारे महाराष्ट्र से, ठीक है ना, हमारे मुंबई से बहुत ज्यादा अलग है। वहां पे जस्ट हम जब पहुंचे थे, बहुत बारिश हो रही थी और स्नोफॉल हुआ था, लेकिन वहां पे हम जा नहीं पाए, जहां पे स्नोफॉल था वहां पे हम नहीं जा पाए, क्योंकि वो बहुत टॉप पे था और वहां पे जाना थोड़ा सा रिस्की भी था, इसके लिए हमने अवॉइड किया, थोड़ा सा रिस्की भी होता है। लेकिन वही चीज है कि विंटर का सीजन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे गर्म हो रहा है, इतना कड़क धूप निकल रहा है, और वहां पे विंटर का सीजन है और वहां पे बर्फबारी हो रही है। तो सोचो कितना डिफरेंस है। यानी एक चीज इससे क्या पता चला कि कंडीशन सेम होते हैं, विंटर का सीजन सेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फेरिक कंडीशन, ये चीजें, क्लाइमेट जो है वो अलग अलग भी हो सकती है, चेंजेस बहुत सारे होती है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पे हायर एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, कहीं बड़ा इलाका रहेगा, कोई ऊंचा इलाका, ठीक है ना, हायर एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, पहाड़ी एरिया, ठीक है ना, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, तो हायर एल्टीट्यूड रहेगा तो वहां पे अक्सर देखा गया है स्नोफॉल होता है, ठीक है ना, ऊंचे इलाके में क्या देखा गया है, स्नोफॉल जो है सबसे ज्यादा जो है वो देखने मिलता है हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन में। वही अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लेसेस है वहां पे आपको रेन ज्यादा देखने मिलता है, मतलब बारिश ज्यादा देखने मिलता है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में बारिश ज्यादा होती है,
ठीक है ना, आप नॉर्थ साइड जाओगे यानी उत्तराखंड, आप हिमालय वगैरह में जाओगे तो बारिश कम होता है, स्नोफॉल ज्यादा होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, स्नोफॉल नहीं होता, यहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो रेन ज्यादा होता है, कुछ ऐसे है जहाँ पे फॉग ज्यादा देखने मिलता है, आप दिल्ली वगैरह साइड जाओगे जहाँ वहाँ पे आपको फॉग, ठीक है, धुंध बोलते हैं ना हम लोग फॉग, तो वो फॉग वगैरह ज्यादा देखने मिलेगा। और यही सब चीज से बहुत सारी परेशानियां भी होती है, जैसे कि फॉग वगैरह हो गया तो ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता है, फिर अगर बहुत ज्यादा हेल स्टोन्स गिरे, बर्फबारी ज्यादा होती है तो क्रॉप्स वगैरह खराब हो सकते हैं, फसल खराब हो सकती है, एग्रीकल्चर खराब हो सकता है, तो ये सभी चीजें वो है हमें फेस करने मिलती है। तो टॉपिक पे आते हैं अभी सीधा प्रेसिपिटेशन पे और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट एनी टाइप ऑफ वाटरफॉल जो कि हमारे अर्थ से नीचे की तरफ आता है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। तो व्हेनेवर वाटरफॉल्स इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट फ्रॉम क्लाउड्स टू द ग्राउंड, मतलब सॉलिड हो या फिर लिक्विड फॉर्म, सॉलिड मतलब क्या हो सकता है, बर्फ हो सकता है या फिर हेलस्टोन हो सकता है, उसके फॉर्म में नीचे गिर रहा हो या तो सीधा सीधा पानी के फॉर्म में नीचे गिर रहा होगा यानी बारिश, तो कोई भी फॉर्म में जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है यानी क्लाउड से वो अर्थ की तरफ जमीन की तरफ जब गिर रहा है तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर स्नो हो गया, हेलस्टोन्स हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब क्या है, मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्नो हो गया, स्नोफॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हेलस्टोन्स हो गए, ठीक है, हेलस्टोन्स हो गए, रेनफॉल हो गए, तो ये सब जो है क्या है, यही टाइप्स है प्रेसिपिटेशन के। प्रेसिपिटेशन के क्या है ये दोस्तों, मेजर फॉर्म्स ऑफ टाइप्स है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे, स्नोफॉल के बारे में और हेलस्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रेनफॉल को अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्नो की, ठीक है ना, स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा, एक होता है स्नो और दूसरा होता है आइस, ये दोनों में बेसिक फर्क क्या है। अगर मैं स्नो की बात करूं तो स्नो आपका नरम होता है, नॉर्मली आप हाथ लगाओगे तो एकदम पाउडर जैसा, जैसे रेत कैसा होता है, रेत सैंड कैसा होता है, हाथ लगाओ तो ऐसा हो जाता है, वैसे स्नो होता है। और आइस क्या होता है, कड़क होता है, पत्थर जैसा कड़क होता है, जैसे कि आपके फ्रीजर में बर्फ जमाते हो ना, वो आइस है। आइस जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और स्नो जनरली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि स्नो जो होता है ना वो डायरेक्ट वेपर से कन्वर्ट होता है, यानी कि स्नोफॉल होता कैसे, पहले तो ये समझ लो कि नॉर्मली जब हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा हवाएं जब चल रही होती है, ठीक है ना, क्या होता है वहां पे कि जब टेम्परेचर जो होता है ना अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंच जाता है और साथ ही में वाटर वेपर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली मेथड क्या होता है, मेथड आपको पता होगा कि स्नो बनने के लिए वाटर यानी कि पानी जब ठंडा हो जाएगा तब वो बर्फ बनता है या फिर आइस बनता है, पानी जब ठंडा होगा तब बर्फ बनता है ना। पर यूजुअली अगर वेपर है, ये जो तीसरा फॉर्म है वेपर, तो वेपर जो अपना भाप होता है, भाप वेपर बोलते हैं ना, स्टीम, तो स्टीम पहले क्या बनता है, ठंडा होता है तो पहले पानी बनता है फिर जाके बर्फ बनता है। लेकिन अगर डायरेक्टली इतनी ठंडी हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर चला गया, तो वेपर डायरेक्टली आइस बन जाएगा, यानी कि वाटर बीच में बनेगा ही नहीं, सीधा हवा था वो हवा, सीधा क्या था, वेपर था, स्टीम था, डायरेक्ट वो आइस बन गया। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या बनता है, स्नो बनता है, क्या बनता है, स्नो होता है। और वही जब हवा जब जोर से चलती है तो वो नीचे की तरफ आता है, अर्थ की तरफ आता है, तो स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वेपर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, सॉलिड स्नो में, यानी कि जो गैस होता है, जो वेपर होता है वो गैस के फॉर्म है ना, वेपर क्या है, एक गैस है, ठीक है ना, और आइस या फिर स्नो क्या है, ये एक सॉलिड है। तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस, आपने पढ़ा होगा, साइंस आ गया, देखो ज्योग्राफी में मैंने साइंस लेके आ गया, सब्लिमेशन, ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, करेक्ट है, और वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो हवा में जो भी वेपर से स्टीम जो है वो डायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे आ गया, दैट्स व्हाई वो डायरेक्टली गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और बर्फबारी गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हाई लैटिट्यूडनल और टेम्परेट रीजन पे क्या होता है, स्नोफॉल अकर्स होता है, जनरली देखा गया, और सी लेवल के मीन के हिसाब से होता है। और साथ ही में अगर बात करें जो ट्रॉपिकल एरियाज होता है वहां पे भी अक्सर जो है यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये सब चीज आप ध्यान में रख सकते हो। और स्नो जनरली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आप सब जानते हैं कि ये स्नो जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जो है पानी जैसा बह नहीं सकता, मतलब जहां पे गिरा वहां पे ही अटक के रह जाएगा। समझ लो एक पेड़ के ऊपर स्नो गिर रहा है तो पेड़ के ऊपर ही अटका हो जाएगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि जब ठंडी इलाके में आप जाते हो, शिमला मनाली ये सब साइड जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर ये सब साइड जाओगे, तो पेड़ वगैरह के ऊपर भी आपको देखने मिलेगा कि बर्फ लटके हुए हैं, बर्फ जमे हुए हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब स्नोफॉल हो रहा है तो वो पानी की जैसे बह के निकल नहीं जाएंगे, वो उसी के ऊपर अटके रहेंगे। तब कब पिघलेंगे वो वहां पे, जब सन ज्यादा हो जाएगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तब धीरे धीरे वो पिघलेगा, सन स्नो धीरे धीरे पिघलेगा, तब पानी जैसा निकलेगा। लेकिन जब वो स्नो के फॉर्म में रहेगा, बर्फ के फॉर्म में रहेगा, तो
तो वैसे का वैसे अटका रहेगा, तो यानी कि वो फ्लो नहीं हो सकता और धीरे धीरे ऐसे ही लेयर्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं। और बहुत सारी सिचुएशन में आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो झील होती है यानी कि नदी होती है या फिर लेक्स वगैरह होते हैं, वो भी धीरे धीरे स्नो उसके ऊपर जब गिरता रहता है तो वो डिपॉजिट होते 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 और ठंडा होकर उसके ऊपर भी एक लेयर बन जाता है, यानी कि एक पपड़ी जैसा एक लेयर आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। और वो जो लेयर होता है वो होता है आइस, वो स्नो नहीं होता है, वो आइस बन जाता है, यानी कि क्योंकि ये जो पानी था वो पानी कन्वर्ट हुआ आइस में। तो अगर वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको स्नो बोलेंगे, लेकिन अगर पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइस बोलेंगे, याद रखना, क्लियर है। बहुत साधारण सा सिंपल सा बता रहा हूँ, कोई भी फर्क नहीं है इसमें, और ये सब चीज आप ऑलरेडी आपको पता है लेकिन आप सोचते नहीं हो ऐसा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और नॉर्मली जो उस साइड के जो लोग होते हैं यानी कि जो नॉर्थ वगैरह के साइड लोग होते हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ वगैरह में स्नो ज्यादा गिरता है, अदरवाइज आप कहीं पे भी स्नो देखने मिलता नहीं है। तो उस साइड के जो लोग होते हैं उनको आदत पड़ जाती है, टेम्परेचर को अडाप्ट कर लेते हैं वो लोग और उस हिसाब से जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये खतरा भी होता है, जैसे कि अगर स्नो वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो रोड पे ब्लॉकेज हो जाता है, रोड पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होता है। अभी मैं मनाली गया था, वहां पे भी एक लैंडस्लाइड हो गया था, ब्लॉग बनाया है, जाके देख लेना, मजा आएगा, ठीक है। तो लैंडस्लाइड हो गया था वहां पे, तो हम लोग की जो बस थी वो वहीं के वहीं फंस के रह गई, लगभग हम लोग 3 घंटा उधर ही वेट किए, उसके बाद हमें दूसरे बस छोटी बस चेंज की ताकि कच्चे रास्ते से जा सके। तो ये सभी चीजें हमने देखनी फेस करनी पड़ी। तो जनरली क्या होता है, उस लोकेशन पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां उनको देखने मिलती है और पूरा का पूरा एरिया जो है कोलैप्स कर जाता है, जिसके वजह से जो पीपल होते हैं बहुत ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को चेंज करके जीते हैं इस हिसाब से, ठीक है। और जब वो बर्फ जितने भी गिरे होते हैं जब वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होते हैं तब जाके उनको पानी मिलता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं पानी का एक अच्छा सोर्स मिल जाता है, जब बर्फबारी हुई उसको कलेक्ट कर लो आप और वो धीरे धीरे जब पिघलेगा तो पानी उनको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये सब चीजें होती है, करेक्ट है। ये हो गया सबसे पहला टॉपिक यानी कि स्नोफॉल। अब दूसरा मैं बात करूंगा यहाँ पे एक और टॉपिक, जैसे मैंने बोला स्नोफॉल आपको बता दिया क्या होता है कैसे होता है, अब दूसरा चीज है हेलस्टोन्स। तो ये जो हेलस्टोन्स है वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो हेलस्टोन्स की बात करो, जैसे मैंने आपने देखा होगा कैसे इतने बड़े बड़े साइज की पैसे बर्फ गिरते हैं पत्थर जैसे कड़क कड़क, जैसे हमने सैंड पत्थर होता है ना, गिट्टी गिट्टी बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, पत्थर होते हैं वो पत्थर कैसे गिरते हैं कट कट आवाज आता है, वैसे ही वो बर्फ जो होते हैं ना उसके पत्थर जैसे शेप के बर्फ कड़क कड़क नीचे गिरते हैं नॉर्मली। अभी कुछ एक साल हुआ रहेगा, मैं पिछले साल दिल्ली गया था, तो दिल्ली में अचानक से मैं ऐसा चल के जा रहा था रोड पे, शायद मेडिकल जा रहा था कुछ मेडिसिन लेने के लिए, तो मैं जा रहा था वैसे ही अचानक से हो गया। और ऐसा अगर वो किसी के ऊपर गिरेगा, समझ लो इतने बड़े बड़े पत्थर अगर उतनी हाइट से, कितनी हाइट से गिर रहे हैं, क्लाउड की हाइट से गिर रहे हैं सोचो, तो अगर वो इतना बड़ा स्नो का टुकड़ा कड़क वाला अगर किसी के सर पे गिर रहा है तो हो सकता है उसको चोट लग जाए, हो सकता है डेथ भी हो जाए, और होता है दोस्तों। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हेलस्टोन्स है ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, डैमेज करता है। स्नो के चांसेस कम है, ये भी करता है लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, जब गिरेगा भी सर के ऊपर तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, हो सकता है ठंडी की वजह से आपकी डेथ हो जाए या फिर आपकी प्रॉपर्टी कुछ डैमेज हो जाए, लेकिन ये जो है बिकॉज ऑफ द हैवीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स, ऐसे मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं बर्फ के कड़क कड़क, अगर वो किसी के सर पर गिर रहा है तो हो सकता है डैमेज पहुंचा दे, इंजरी पहुंचा दे, हो सकता है किसी के घर पे गिर रहा है, छत के ऊपर गिर रहा है तो वो छत वगैरह टूट जाए, इस हिसाब से भी हो सकता है। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी के भी डैमेज प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर जब जनरेट होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि जो अपवर्ड एयर रहता है ना, जो ऊपर का जो हवा रहता है ना, ये क्या करता है, बहुत जोर से फ्लो होने लगता है, क्योंकि हमको पता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है तो हवा भी जो है वो जोर से फ्लो होने लगता है। तो टेम्परेचर जब ऊपर की हवा का जब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट जब जनरेट होता है तो ऊपर का जो हवा है वो भी बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है, जिसके वजह से एक अपवर्ड फ्लो क्रिएट होता है। अपवर्ड फ्लो यानी कि हवा जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू करते हैं, बिकॉज वो डेंसिटी उसकी हल्की हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर जो होता है ना हवा का वो रिड्यूस भी होता है, और कंडेंसेशन जो है वाटर वेपर का वो शुरू हो जाता है, एंड जिसके वजह से पूरा का पूरा ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, डार्क काले बादल, डार्क क्लाउड्स फॉर्म हो जाने लगते हैं। क्यों हुआ ये डार्क क्लाउड्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हवा जो है ऊपर ऊपर जाने लगा तो टेम्परेचर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से क्या हो गया, ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे क्या होने लगा, ठंडक महसूस होने लगी और काले काले बादल जो है ऊपर छा जाते हैं। आपने देखा है कि नहीं ऐसा बादल, ऑब्वियसली देखा होगा, तो ऐसे ब्लैक कलर के क्लाउड्स, डार्क कलर के क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, हवा जो है ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसके हवा के ऊपर के मूवमेंट्स के जाने की वजह से, तो जब यहाँ पे रिड्यूस हो गया तो टेम्परेचर जब रिड्यूस हो गया तो वाटर वेपर क्या हो गया, एक तरीके से कड़क बन जाएगा, यानी वाटर वेपर जो है वो धीरे धीरे किसमें, सॉलिड फेस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, तो वो क्या बन जाता है, एक तरीके से ड्रॉपलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्रॉपलेट्स वो हायर एल्टीट्यूड में जब जाता है, जब पानी की बूंदे जब और ऊंचाई पे जब जाएगी, ऊंचाई पे ही है ना, तो और ठंडी होगी, तब जाके ये जो पानी की बूंदे है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी छोटे छोटे टुकड़े में। अब पानी की बूंदे है, समझ लो ये पानी का बूंद है,
अब उसको अचानक से इतनी ठंडी मिल गई तो वो उधर का उधर ही फ्रीज होके वो बूंद जो है वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। यानी कि लिक्विड जो था वो इतना ठंडक उसको मिल गया ऊपर की तरफ, वो जब नीचे निकल रहा था तो इतना ठंडक मिल गया कि वो क्या बन गया, तुरंत बर्फ बन गया। इमेजिन करो इतना ठंडक तुरंत। नॉर्मली फ्रिज में हम लोग कोई पानी को रखते हैं तो पानी की बूंद को या फिर पानी की कटोरी में भर के रख दिया या फिर ट्रे में भर के रख दिया तो उसको कन्वर्ट होने में एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटा लगता है। तो सोचो ऊपर कितनी ठंडक होती होगी कि वो एक पानी का बूंद है तुरंत विद इन अ सेकंड क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। एंड वो आइस बन जाएगा बिकॉज ऑफ दैट हेलस्टोन जो है, आइस बन गया मतलब क्या बन गया, वो हेलस्टोन बन गया। क्या बन गया, हेलस्टोन। ठीक है, तो हेलस्टोन का ऊपर फॉर्मेशन हो गया। तो हेलस्टोन बहुत हैवी हो जाएगा क्योंकि पानी की बूंदे का वजन जितना रहेगा उतना वजन उसका भी रहेगा, तो वो हैवी बन गया क्योंकि बर्फ बन गया, वो हैवी बन गया, हेलस्टोन बन गया। तो अब वो नीचे आना शुरू करेगा। तो जब वो नीचे आना शुरू करेगा, बट यहाँ पे जो हवा था वो क्या बोला, मैंने क्या बोला, हवा जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जब वो हेलस्टोन नीचे की तरफ आ रहा था तो एट ए सेम टाइम हवा जो है उसको ऊपर भी धकेल रहा है। तो हवा जब उसको ऊपर धकेल रहा है तो वापस से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड ऊपर जाएगा तो और ज्यादा ठंडक उसको मिलेगी, और ज्यादा जब ठंडक मिलेगी तो वो और ज्यादा साइज में बड़ा हो जाएगा क्योंकि और पानी उसको रिसीव हो रहा है और वाटर ड्रॉपलेट्स उसको रिसीव हो रहे हैं, और बड़ा हो जाएगा। एंड जब और बड़ा हो गया, अब उसका वजन भी बढ़ गया, अब वो ग्रेविटी से नीचे की तरफ आएगा क्योंकि अब उसका वजन बढ़ गया, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, हवा भी रोक नहीं सकता। तो अब वो नीचे आना शुरू करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी वो नीचे आएगा एंड फटाफट धम 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 करके नीचे गिरेगा। अब समझ लो, अब कोई आदमी खड़ा है वहां पे, कोई पेड़ पौधे है, कोई बिल्डिंग से छोटी मोटी वाली जो ऊपर के छत वो होते हैं ना, वो प्लास्टिक वाले अलग वाले, उसके ऊपर गिर रहा है तो समझ लो डैमेज पहुंचा देगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को क्या पहुंचाता है, डैमेज पहुंचाता है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े हैवी हेलस्टोन्स होते हैं वो रैपिडली ग्राउंड पे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी नीचे गिरते हैं, जिसको हेल शावर्स भी कहते हैं। यानी कि हेल का शावर हो रहा है, हेल मतलब समझ लो बर्फ का शावर हो रहा है, समझ लो, ठीक है ना, शावर हो रहा है, बहुत कड़क पत्थर पत्थर जैसे नीचे गिरते हैं और आवाज भी ऐसा लगता है कि पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, ऐसा आवाज आता है और लोग डर के मारे सब अपने कमरे में अपने घर के अंदर छुप जाते हैं, सीमेंटेड घर में छुप जाते हैं। और ये करना भी चाहिए। नॉर्मली आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हम भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने देखा था ये सब चीज और मैंने अपनी आंखों से महसूस किया कि किस प्रकार वो इतने फटाफट बर्फ के टुकड़े जो है नीचे गिरते हैं, कड़क कड़क वाले पत्थर जैसे। तो सोचो यार किसी के ऊपर गिरता तो यार क्या हो जाता, तो सब छुप जाते हैं फटाफट, जैसे गिरना स्टार्ट होता है हम सब छुप जाते हैं। और इतनी ठंडी होती है ना, आप अगर वो बर्फ को उठाओगे ना तो इतना ठंड होता है उसके हाथ में, मतलब वो उसको महसूस करोगे तो बहुत टेम्परेचर माइनस वाला टेम्परेचर रहता है उसका, इतना ठंडक रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये हेलस्टोन भी आपको समझ में आ गया। कुछ और चीजें जैसे कि अगर हम बात करें हेलस्टोन की, तो नॉर्मली हेल जो है वो इंडिया में अक्सर समर में देखा गया है, यानी कि जब गर्मी का टाइम होता है ना, ये उल्टा है थोड़ा, यूजुअली बारिश में होना चाहिए लेकिन क्या होता है कि ये बारिश के जस्ट पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया में जनरली समर्स में देखा गया है, अफ्रीका में नॉर्मली बहुत सारे पार्ट में देखा गया है, साउथ ईस्ट एशिया में भी देखा गया है, और इक्वेटोरियल प्लेस जो होते हैं ना, जो इक्वेटर के नजदीक में जो कंट्री होते हैं, इक्वेटर आप सभी को जानते हैं कि इक्वेटर के नजदीक में जो भी कंट्री होते हैं वहां पे हीट बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पे हीट बहुत ज्यादा रहेगा तो चांस ही नहीं है ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ठंडक चाहिए। तो जहां पे भी हीट ज्यादा होगा ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही में बहुत ज्यादा ठंडे इलाके जो होते हैं, कोल्ड जोन जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ये आर्कटिक रीजन, ये सब रीजन में भी हेलस्टोन्स वगैरह नहीं होते, नॉर्मली वो पहले से इतना ठंडा होता है कि वो बर्फ ही बर्फ होता है उसमें, तो हेलस्टोन गिरने के चांसेस ही नहीं होते। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रेसिपिटेशन के एक्सप्लेन की, कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है और साथ ही में उसके अंदर जो टाइप्स थे स्नोफॉल और हेलस्टोन, ये दो चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और बचा हुआ है जिसका नाम है रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या होता है, कैसे होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको पता है इस बारे में, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में आपके लिए फटाफट से लेके आएंगे। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है दोस्तों मैं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो, बताओ यार लॉजिक स्नोफॉल कैसे होता है, हेलस्टोन कैसे होता है, कहाँ होता है, ये भी उनको पता चले। तो प्लीज शेयर कर देना ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों को, एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।